राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे गौतम अडानी। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर कहे जाने वाले दूसरे नंबर पर आते हैं अडानी और वह राजस्थान के अंदर मौजूद थे। राजस्थान में कल मौजूद होने के साथ ही उन्होंने आप सभी को बता दें कि राजस्थान के लिए नई सौगात लेकर के आए हैं। राजस्थान में नए पावर प्लांट भी बनाए जाएंगे और इसी के साथ साथ अब राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं राहत की सांस लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजस्थान में अगर इतना इन्वेस्ट किया जाएगा तो राजस्थान के अंदर रोजगार भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गौतम अडानी, इन दोनों के संबंधों को लेकर के भी बातचीत सामने आई है कि इन दोनों के संबंध भी काफी अच्छे हैं। एक तरफ गुजरात के अंदर गौतम अडानी की ज्यादा प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वहीं राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलेंगे। गुजरात में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन का कोई भी सरकार से ज्यादा लुत्फ नहीं है और इसी के चलते उन्होंने न पक्ष देखा न विपक्ष देखा बल्कि अपना इन्वेस्ट किया है और एक बिजनेसमैन की है बहुत अच्छी खासियत होती है। दिखाते इसी पर रिपोर्ट कि आने वाला राजस्थान किस प्रकार से देखने को मिलेगा। राजस्थान में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हो गई है। इस समिट में गौतम अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को राजस्थान में सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री लगाने के लिए भी निमंत्रण किया। इस समिट में दुनिया के करीब 3,000 से ज्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस मेगा बिजनेसमैन इवेंट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे राजस्थान में अकाल सूखे पड़े रहते हैं, अब हमारे उद्योगपति छाए हुए हैं। उन्होंने गौतम अडानी को दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर बनने की बधाई भी दी। इससे पहले समिट में टाटा पावर ने राजस्थान में बड़े निवेश की घोषणा करी है। कंपनी के CEO प्रवीण सिन्हा ने कहा कि राजस्थान में आने वाले कुछ सालों में 10,000 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी हाईवे पर इस तरह के स्टेशन देखने को मिलेंगे। सिन्हा ने कहा कि टाटा पावर ने राजस्थान में 5,000 मेगावाट के लिए निवेश भी किया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए ताही बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।